हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट जनरल इंग्लिश से कवर कर रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। डिग्री की डेफिनेशन हमने लास्ट चैप्टर में 8th चैप्टर में कवर की थी, जिसमें हमने डिग्री की डेफिनेशन और डिग्री के टाइप्स पढ़े थे। डिग्री 3 टाइप की होती है, फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। उसमें हमने डिग्रीज के रूल्स कवर किए थे, जिसमें हमने पॉजिटिव डिग्री के जो वर्ड्स हैं उनके कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स में और सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल्स हम उनमें लगाएंगे, उनके क्या रूल्स है, वो सब हमने 8th चैप्टर में कवर किया था। इस चैप्टर में हमने समझा इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, यानी कि डिग्रीज के जो सेंटेंस है उनको हम कैसे चेंज करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने डिग्री के वर्ड्स चेंज करना सीखा था, इसमें हम सीख रहे हैं डिग्रीज के जो सेंटेंस है उनको हम कैसे चेंज करते हैं दूसरी डिग्रीज में, पॉजिटिव के कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव के सुपरलेटिव में, या सुपरलेटिव कंपैरेटिव में, या फिर पॉजिटिव में, या फिर कंपैरेटिव के बाकी बचे दो में कैसे चेंज करते हैं, वो हमने इस चैप्टर में समझा है। कुछ रूल्स हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे, कुछ रूल्स बचे हुए हैं जिसको हम इस वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टुडे चैप्टर इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। दोस्तों, अभी तक हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं वो रूल नंबर हमने 1 में समझा था। फिर रूल नंबर 2 में हमने कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं वो हमने समझा था, और रूल नंबर 3 में हमने समझा था सुपरलेटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में और पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं वो हमने 3rd रूल में समझा था। उनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के जो सेंटेंस है उसको हम कैसे सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, इनके स्टेप्स आपको समझाए जाएंगे। रूल नंबर 4 आ जाता है। रूल नंबर 4 में कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को चेक करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है उसका आपको स्ट्रक्चर किस प्रकार से मिलेगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म का यूज, फिर कंपैरेटिव डिग्री का यूज, फिर देन का यूज, फिर एनी अदर का यूज, फिर सिंगुलर नाउन का यूज, फिर ऑफ इन का यूज, और फिर अदर वर्ड्स का यूज होगा। जैसे जमशेदपुर में सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब इज आ जाता है, फिर बेटर कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है, देन आ जाता है, फिर एनी अदर आ जाता है, फिर टाउन, टाउन यानी कि सिंगुलर नाउन आ जाता है, फिर इन का यूज हो जाता है, फिर झारखंड का यूज आता है। इस प्रकार सेंटेंस आपको मिलता है, या फिर आपको ऑल अदर की फॉर्म में मिलता है। कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव देन प्लस ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन, क्योंकि ऑल अदर यूज किया इसलिए प्लूरल नाउन इसके साथ लग गया, ऊपर क्या था एनी अदर था इसलिए सिंगुलर नाउन का यूज हुआ था, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ या इन, फिर अदर वर्ड्स। इन दोनों में से कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है उसको हम कैसे बदलेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल है, जमशेदपुर इज बेटर देन एनी अदर टाउन इन झारखंड, तो इस ये होगी कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जमशेदपुर इज बेटर देन ऑल अदर टाउन्स इन द झारखंड। ये स्ट्रक्चर हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था जब हमने सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज किया था। रूल नंबर 3 जो हमने किया था उसका जस्ट उल्टा है रूल नंबर 4 में, जमशेदपुर इज बेटर देन एनी अदर टाउन इन झारखंड। तो सुपरलेटिव में हम क्या करेंगे, जमशेदपुर सेम लिखेंगे, इज द बेस्ट, बेटर की जगह क्या लिख देंगे, द बेस्ट टाउन इन झारखंड, सिर्फ इतना लगाएंगे, एनी अदर या फिर डैन को हटा देंगे क्योंकि ये सुपरलेटिव में यूज नहीं होते। और पॉजिटिव हम क्या करेंगे, नो अदर टाउन का यूज करेंगे, जैसे कि हमने रूल नंबर 3 में भी पढ़ा था। उसके बाद इन झारखंड इज सो गुड एज, तो सो और एज का यूज करेंगे, या फिर एज गुड एज, एज और एज का यूज करेंगे, और इनके बीच में हम किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का, और फिर किसका यूज कर लेंगे, अदर वर्ड्स का। इनको हम स्टेप्स वाइज समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जब हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे पहले हम ये समझ लेते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। फिर हम वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म दोनों सेम रहेंगे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में भी।
कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव में। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री का जो वर्ड्स लिखते हैं तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, द, तो द का यूज करेंगे, फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, देन और एनी अदर या फिर ऑल अदर को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में लगते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लगते। उसके बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जो कि कंपैरेटिव डिग्री में यूज हुआ है, क्या यूज हुआ था, टाउन। उसके बाद ओ फॉर इन का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड्स का यूज करेंगे, ओ फॉर इन का प्रयोग करने के बाद किसका यूज करेंगे, अदर वर्ड्स का, जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में क्या था, झारखंड। अब स्टेप समझते हैं कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो उसकी शुरुआत किससे करेंगे, नो अदर से, नो अदर के बाद फिर सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन ऊपर क्या था, सिंगुलर नाउन था टाउन। उसके बाद ओ फॉर इन का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड्स का यूज करेंगे, अदर वर्ड्स क्या थे, झारखंड। तो इससे हम पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। ओ फॉर इन के बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग नहीं रहने पर हम किसका यूज कर सकते हैं, नो अदर या फिर सिंगुलर नाउन का, फिर हम वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसको हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है, इसमें हम सो एज और एज और एज का यूज करेंगे, उनके बीच में हम पॉजिटिव एडजेक्टिव को यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज करेंगे। लेकिन सुपरलेटिव हम किसके साथ यूज करते थे, दा के साथ, लेकिन यहाँ पे हम सो एज या फिर एज एज के साथ करेंगे। कंपैरेटिव में किसके साथ होता है, देन के साथ, ये आप थोड़ा कंपेयर करके याद रख सकते हैं। आगे देन और एनी अदर ऑल अदर को हम रिमूव कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। तो समझते हैं एग्जाम्पल्स, जिसमें फर्स्ट आ जाता है कंपैरेटिव डिग्री, दिया गया लेड इज द हैवियर देन एनी अदर मेटल, तो सुपरलेटिव बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लेड इज, ये सेम रहेगा, द हैवियस्ट, हैवियर को किस में चेंज कर देंगे, द हैवियस्ट में, द प्लस सुपरलेटिव। उसके बाद देन और एनी अदर को हम रिमूव करेंगे, किसका यूज करेंगे, ऑफ का, फिर मेटल की जगह हम ऑल मेटल्स यूज करेंगे। और पॉजिटिव में चेंज करना, तो सबसे शुरुआत किससे करेंगे, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन, यानी कि नो अदर मेटल इज, सेम वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो इज का यूज होगा, सो हैवी एज, द हैवियर की जगह हमने क्या लिख दिया, सो हैवी एज लेड, या फिर नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड, इस तरह से यूज करेंगे, क्योंकि हम लास्ट में क्या करते हैं, जो कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट है उसको हम बनाते हैं पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट। तो रूल नंबर 5 यही बताता है, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम चेंज करेंगे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में। अब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन, फिर उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, फिर शो और एज के बीच में किसका यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री का, फिर नाउन और प्रनाउन का यूज हो जाएगा, या फिर दूसरा फॉर्मेट एज, पॉजिटिव डिग्री एज के रूप में मिल सकता है, कैसे, नो अदर सिंगुलर नाउन, ओ फॉर इन अदर वर्ड्स सिंगुलर वर्ब, एज पॉजिटिव डिग्री एज और नाउन प्रनाउन, इस तरह का फॉर्मेट आपको मिलेगा। ये हमने रूल नंबर 3rd और 4th में इनका फॉर्मेट हम सीख चुके हैं। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे सुपरलेटिव और कंपेरेटिव में, कंपेरेटिव दो प्रकार से बताया और सुपरलेटिव एक टाइप से रहेगा। तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस क्या हो सकता है, नो अदर टाउन इन बिहार इज सो लार्ज एज पटना, या फिर दूसरा फॉर्मेट इसका क्या हो सकता है पॉजिटिव डिग्री में, नो अदर टाउन इन बिहार एज लार्ज एज पटना। इसको हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, पटना लिखेंगे, उसके बाद इज वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे, फिर द लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, फिर टाउन सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, इन और ऑफ का यूज करेंगे, फिर बिहार यानी कि अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। और कंपेरेटिव को हम दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं, कैसे, एनी अदर का यूज करके, फिर या फिर ऑल अदर का यूज करके। एनी अदर का यूज करेंगे तो सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, ऑल अदर का यूज करेंगे तो प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। तो पटना इज लार्जर देन एनी अदर टाउन इन बिहार, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर पटना इज लार्जर देन ऑल अदर टाउन्स इन बिहार, तो दो प्रकार से हम कर सकते हैं। सेम इनके आगे स्टेप्स मिलेंगे, उनको भी कवर कर लेते हैं। तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म सेम यूज करेंगे, नो अदर सो एज और एज एज को हम हटा देंगे, इनको हम सुपरलेटिव में यूज नहीं करते, ये वर्ड्स आपको मिलेंगे पॉजिटिव डिग्री में। फिर पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसको सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे, फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, अंत में हम क्या लगाएंगे, ओ फॉर इन, जो कि सुपरलेटिव डिग्री में लगते हैं, फिर अदर वर्ड्स का जो
पॉजिटिव डिग्री में यूज हुआ उसका यूज दोबारा करेंगे, अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो नहीं करेंगे। अब पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, फिर वर्ब का यूज करेंगे, फिर नो अदर शो एज और एज को भी हम हटा देंगे, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में लिखेंगे यानी सेकंड डिग्री में हम चेंज करेंगे, और जब सेकंड डिग्री का यूज करेंगे तो देन का प्रयोग जरूर करेंगे, देन के बाद एनी अदर का यूज करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ, ऑल अदर का यूज करते हैं तो तब हम लगाएंगे प्लूरल नाउन, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे ऑफ या इन फिर अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। तो ये सिर्फ स्टेप्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल आप थर्ड और फोर्थ रूल में देख के समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों रूल नंबर 6 आ जाता है जिसमें सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस दिया गया है जिसका फॉर्मेट इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म, फिर वन ऑफ द, यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज है, वन ऑफ द का यूज किया है, फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, फिर प्लूरल नाउन का यूज हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद किसका यूज हुआ है प्लूरल नाउन का, फिर ऑफ इन का प्रयोग और फिर अदर वर्ड्स का यूज हुआ है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में। तो स्ट्रक्चर क्या था, मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द इंग्लैंड, ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको हम चेंज करते हैं कंपैरेटिव में, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, मिल्टन वाज ग्रेटर, द ग्रेटेस्ट का क्या बनाया ग्रेटर, फिर देन का यूज होगा क्योंकि ग्रेटर के साथ देन का यूज कर सकते हैं, सेकेंड डिग्री आ जाती है, फिर मोस्ट अदर पोएट्स किसका यूज हुआ है, मोस्ट अदर पोइट्स, ये एक्स्ट्रा लगा है, यह हम स्टेप्स में समझेंगे, ऑफ इंग्लैंड ऑफ और इन के साथ किसका यूज हुआ अदर वर्ड्स का, इसको हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, वेरी फ्यू पोइट्स, पहले हमने किसका यूज सीखा था नो अदर के साथ हमने सेंटेंस की शुरुआत की थी, लेकिन यहाँ पर हमने वेरी फ्यू के साथ सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंग्लैंड वर सो ग्रेट एज मिल्टन, या फिर वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंग्लैंड वर एज ग्रेट एज मिल्टन। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, तो ये क्या हो गया सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, इसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, क्या बताया जापान इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, मोस्ट और देन और सेकंड डिग्री यहाँ पे एक्स्ट्रा लगी है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सो एज या फिर एज के रूप में हम दो प्रकार से लिखेंगे, वेरी फ्यू कंट्रीज आर सो रिच एज जापान, या फिर वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज जापान। तो थर्ड एग्जाम्पल आप खुद से पढ़िए और समझिए, आगे बढ़ते हैं, तो मेन आ जाता है सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो उसके स्टेप्स क्या है, तो इसमें हम अब स्टेप समझते हैं जो अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को हम कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे यानी सब्जेक्ट दोनों का सेम रहेगा जैसे हम बाकी के रूल में करता है, फिर उसके बाद वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे, सेम वर्ब की फॉर्म रहेगी, उसके बाद वन ऑफ द को हटा देंगे, वन ऑफ द को याद रखिए कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में यूज करेंगे लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को चेंज कर देंगे फिर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में, और फिर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ हम क्या लगाएंगे देन, और देन के बाद मोस्ट अदर और प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, किसका यूज करेंगे मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन, कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज करते थे एनी अदर या फिर ऑल अदर का, लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे मोस्ट अदर का, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर ऑफ इन का प्रयोग करके अदर वर्ड्स का यूज करेंगे, तो ये था सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का तरीका। अब सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलने का तरीका, फर्स्ट हम क्या करेंगे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया था, या फिर वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, उसके बाद ऑफ इन का प्रयोग करके अदर वर्ड्स को लिखेंगे, इस प्रकार से सेंटेंस की शुरुआत होगी, उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, वन ऑफ द को हटाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, और चेंज करने के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है पॉजिटिव डिग्री में हम दो चीज यूज करेंगे सो और एज, उसके बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे या फिर एज और एज के बीच में करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। आगे दोस्तों यहाँ पर एक नोट दिया गया जिसमें बताया गया है कि एडवर्ब का पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म होता है, तो ऊपर के जो स्टेप्स हमने पढ़े हैं उसमें जो एडजेक्टिव बताया गया है एडवर्ब का प्रयोग रहने पर उसे पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में जिस डिग्री में बदलना हो उस फॉर्म में बदला जा सकता है, तो यहाँ पे एडवर्ब के बारे में बताया है कि एडवर्ब का पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव फॉर्म होता है।
अब दोस्तों आ जाता है कंपैरेटिव डिग्री। सिक्स्थ रूल में हमने जो पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज कैसे करेंगे, तो दोनों के स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे, क्या क्या हम उसमें वर्ड्स का यूज करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। अब वही कंपैरेटिव डिग्री में हमें मिलेगा जिसको हम चेंज करेंगे सुपरलेटिव में। तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे देन मोस्ट अदर प्लुरल नाउन, या फिर सब्जेक्ट वर्ब कंपैरेटिव देन मोस्ट अदर प्लुरल नाउन ऑफ इन या फिर अदर वर्ड्स। इस दो तरह के फॉर्मेट में आपको कंपैरेटिव डिग्री मिलेगी, उसको हम चेंज करेंगे सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव क्या बनेगी, अशोका इज बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज। तो इसको सुपरलेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अशोका इज वन ऑफ द बेस्ट, तो वन ऑफ द का यूज करेंगे, और फिर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, फिर प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स का यूज करेंगे, फिर ऑफ का प्रयोग करेंगे, फिर माई कॉलेज का यूज करेंगे, अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। तो ये दोनों की शुरुआत सेम सब्जेक्ट और वर्ब से होती है, लेकिन पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम किसे स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, ऑफ माई कॉलेज का यूज करेंगे, फिर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, सो गुड एज या फिर एज गुड एज का प्रयोग करेंगे, फिर और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है उसको पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर से बता देता हूँ, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है वो होगा रुचि इज बिगर देन मोस्ट अदर या फिर मैनी अदर टाउन्स। मोस्ट अदर भी आ सकता है, फिर मैनी अदर भी आ सकता है। इसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, रांची इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म सेम यूज करेंगे, वन ऑफ द का यूज करेंगे, फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, फिर प्लूरल नाउन का यूज करेंगे जो कि अदर वर्ड्स हैं। पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, वेरी फ्यू टाउन्स यानी वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, फिर अदर वर्ड का यूज करेंगे, फिर आर पॉजिटिव प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, एज बिग एज या फिर सो बिग एज का यूज करेंगे, फिर रांची का, यानी कंपैरेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट है उसको पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर के अलावा हम मैनी अदर या फिर सम अदर का प्रयोग कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम किन किन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, मोस्ट अदर का या फिर मैनी अदर का या फिर सम अदर का, इन तीनों का यूज कर सकते हैं। अब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में बदलने का तरीका सीखते हैं, यानी रूल नंबर सिक्स में हमने सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम सीखें कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, तो हम इसमें क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट में लिखेंगे, यानी दोनों के सब्जेक्ट सेम रहेंगे, फिर वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में हम किसका यूज करते हैं, वन ऑफ द का, फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, उसके बाद ऑफ और इन का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के लिए वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, या फिर वेरी फ्यू के साथ प्लूरल नाउन के साथ जोड़ के हम ऑफ और इन अदर वर्ड्स के साथ यूज करेंगे, अगर अदर वर्ड्स दिया है, अगर अदर वर्ड्स नहीं दिया तो तब हम इन दोनों का यूज नहीं करेंगे। प्लूरल वर्ब का उसके बाद यूज होगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हम चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में, तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव सो एज और एज के बीच में आएगा, उसके बाद हम देन और मोस्ट अदर या फिर मैनी अदर या सम अदर जो जिनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है उनको हम रिमूव करेंगे, और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को हम पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। अब दोस्तों रूल नंबर एट आ जाता है। अब रूल नंबर एट में पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दिया गया जिसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, फिर सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज, फिर ऑब्जेक्ट, या फिर वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन ऑफ और इन के साथ अदर वर्ड्स भी आ जाएगा, तो फिर उसके बाद प्लूरल वर्ब, सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज, फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी सिक्स्थ रूल में पढ़ चुके हैं और सेवन्थ रूल में पढ़ चुके हैं। तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस किस फॉर्मेट में रहेगा, वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंटेलिजेंट एज पवन। तो इसको सुपरलेटिव में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज, तो वन ऑफ द का यूज करेंगे, फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे जो कि इंटेलिजेंट हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट, और फिर प्लूरल नाउन बॉयज का यूज होगा। कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, पवन इज मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, फिर देन का यूज करेंगे, मोस्ट अदर मैनी अदर इस तरह से यूज करेंगे, और फिर बॉयज यानी प्लूरल नाउन का यूज होगा।
वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट एज अकबर, तो ये हो गया पॉजिटिव। इसको सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, इस प्रकार से। या फिर कंपेरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इसमें हम कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करेंगे, अकबर वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर या फिर मैनी अदर किंग्स। तो फर्स्ट आ जाता है पॉजिटिव से हम सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट सुपरलेटिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर वर्ब का यूज होगा, वेरी फ्यू शो एज 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 को रिमूव करेंगे, वन ऑफ द का यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे वन ऑफ द के साथ, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज होगा, ओ फॉर इन का प्रयोग करके अदर वर्ड्स का यूज कर लेंगे। पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट हम कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, वेरी फ्यू शो एज और एज एज को हम रिमूव करेंगे, ये पॉजिटिव में चेंज होते हैं, पॉजिटिव में यूज होते हैं। पॉजिटिव के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव के एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, फिर देन का प्रयोग करेंगे क्योंकि कंपैरेटिव का हमने एडजेक्टिव यूज किया है, फिर मोस्ट अदर मैनी अदर या फिर सम अदर का यूज करेंगे, फिर प्लूरल नाउन का यूज कर लेंगे, और लास्ट में हम किसका यूज करेंगे, ओ फॉरेन का, फिर अदर वर्ड्स का यूज कर लेंगे। अगर ये नहीं दिया गया, अदर वर्ड्स नहीं दिया गया, तो हम इनका यूज नहीं करेंगे। आगे दोस्तों हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं उनके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल को पढ़िए समझिए और याद करने की कोशिश करिए, और बाकी आगे आ जाता है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट से आप अपनी बाकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिससे ये चैप्टर इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे टाइम एंड टेंस, जिसमें हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल्स, उनके रूल्स, उनके डेफिनेशन कवर करेंगे। तो दोस्तों डिग्री का चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं इसमें करंट अफेयर्स की वीडियो डालता रहता हूँ, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर की तैयारी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।